हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। मैं आपके सामने यहां पर बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूं, 1 से 200 तक का यहां पर वर्ग किस तरह से निकालते हैं, यानी स्क्वायर का यहां पर शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो आपके सामने, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सामने यहां क्लियर करने वाला हूं। 1 से 200 तक का यहां पर पूरा मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से यहां पर शॉर्ट ट्रिक से आपको यहां पर स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि ज्यादातर अपने स्क्वायर 30 तक याद रहते हैं, उसके बाद अपने को याद नहीं होते हैं, तो उसको निकालने का तरीका क्या है। आप 1 से 1000 तक भी निकालोगे तो आपका कार्य हो जाएगा, मगर मैं यहां 1 से आपको 200 तक की ही बात यहां पर बताने वाला हूं। तो देखें, ये आप समझ जाएंगे तो आप 1000 तक किसी प्रकार के डिजिट को आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखें यहां पर किस तरह से बताएं। सबसे पहले मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 57 का स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने? 57 का स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे कैसे पता कि 57 का स्क्वायर कैसे निकालूं? तो यहां पे तरीका, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझे। तो देखिए, यहां 5 लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये सभी को आता है, क्योंकि यहां पर आप देखो पता है कि यहां पर 30 तक के स्क्वायर सभी स्टूडेंट को याद होते हैं, सभी को याद रहते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ये अपन ने यहां लिख दिया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये जो 5 लिखा हुआ उसको 7 के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितना हुआ? 35। क्या आ गया? 35। क्या आ गया? 35। इस 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने यहां पर क्या आया? 70। क्या आया? 70। तो एक डिजिट छोड़कर आपको क्या लिखना है? यहां पर 0 लिखना है और यहां पर आपको 7 लिखना है। बस इसको कुछ नहीं करना, आसान तरीके से इसको एड कर ले। 9 का 9 हो गया, 4 का 4 हो गया, 5, 7 कितना होता है? 12 हो गया, 1 कैरिंग हो गया, यानी यहां पर आ गया 3249। यानी इसका आंसर क्या हो गया? 3249। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप, मैं आपको डिजिट देने वाला हूं, उस डिजिट को आप करके देखें। जैसे 46 है, इसको करके देखें यहां पे। उसके बाद आपको मैं दे रहा हूं यहां पर, जैसे यहां पर 74 है, इसको आप कर देख सकते हैं। ये एक प्रकार का आपका क्या है? होमवर्क। इसको प्रैक्टिस करें, नहीं हो तो देख लेना। क्या किया एक बार वापिस समझ ली, मैंने क्या किया? 5 का स्क्वायर लग दिया, 7 का स्क्वायर लग दिया, 5 × 7 × 2 तीनों को क्या कर दिया? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और पीछे से मैंने लिखना स्टार्ट किया, जो एक डिजिट छोड़कर लिखना। तो एक डिजिट छोड़ दी, जी यहाँ पे 70 आया, तो 0 और 7 लिखा मैंने। 70 कैसे आया? 5 × 7 35 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, कितना हुआ यहाँ पर? 70। आप 46 का करें, 74 का करें, किसी भी डिजिट का करें, आपका आंसर 100% आएगा। अब देखें, जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया 112। अब ये सब 3 डिजिट वाला किस तरह से करेंगे? 3 डिजिट का क्वेश्चन देखें। 3 डिजिट में कैसे करना है कि इसमें फर्स्ट कौन सा मानेंगे, सेकंड कौन सा मानेंगे। तो यहां पर आपको कोई दिमाग लगाना है कि यह कॉन्सेप्ट में जानना, यह फर्स्ट है और ये क्या है आपका सेकंड पार्ट से, ठीक है। तो यहां पर 11 का स्क्वायर लिखेंगे। 11 का स्क्वायर सबको याद है क्या है? 121। क्या है? 121। और 2 का सबको याद है, तो यहां पर 2 का क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे? 04। क्या लिख देंगे? 04 लिख देंगे। वेरी गुड। अब उसमें क्या करना है? 11 का 2 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। तो क्या आएगा? 11 का 2 के साथ 22, और 22 का डबल कितना हो गया? 44। तो यहां से 4, यहां से 4, और इसको लिख देंगे 4, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 12। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से आप 1 से 200 तक का कोई भी डिजिट आप ले लें और आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 3 डिजिट में, वो भी आप करके देखें, जो आसान तरीके से आपका हो जाएगा। 124 आप करके देखें, अच्छी तरीके से देखें, चेक करें, एक बार करेंगे तो ही समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।